तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी संगीत प्रेमियों का PRK म्यूजिक क्लासेज में। तो हारमोनियम बजाने के साथ साथ अगर आप गाना भी सीख रहे हो तो ये लेसन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वोकल एक्सरसाइज का ये लेसन नंबर 6 आज मैं आपको देने जा रहा हूँ। इससे पहले 5 लेसन मैं आपको दे चुका हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। आज का जो हमारा ये लेसन है, ये मैं आपको 2 स्टेप में बताऊँगा। तो जो सबसे पहला स्टेप रहेगा, इसमें आपको कुछ इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। सारेगामा पादानिसा ही आपको गुनगुनाना है, लेकिन किस तरह से गाना है? सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। किस तरह से गाना है? सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। सारेगामा पादानिसा ही आपको गाना है, लेकिन जो पीछे का स्वर होता है उसको साथ में लेते हुए आपको गाना है। किस तरह से? जब आप सा गाएंगे तो नी को साथ में लेना है। सा आपको पीछे वाला जो स्वर है नी, वहीं पर गाना है। सा जब रे गाएंगे तो रे, रे आपको सा पे ही गाना है। रे रे जब गा गाएंगे तो गा, किस तरह से? गा मा गाएंगे तो मा, पा गाएंगे तो पा पा, धा गाएंगे तो धा धा, नी गाएंगे तो नी सा। इस तरह से आपको आरोह कंप्लीट करना है। पीछे के स्वर का हमें साथ लेते हुए गाना है। अब जब हम अवरोह करेंगे तो भी पीछे के स्वर का ही साथ लेंगे। सा गाएंगे तो रे पर ही हम सा गाएंगे। किस तरह से? सा सा सा, नी गाएंगे तो सा पे ही नी को गाएंगे। नी, किस तरह से गाना है? सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। इस तरह से आपको ये पहला स्टेप कंप्लीट करना है। अब जो हमारा सेकंड स्टेप रहेगा, इसमें हमें आगे के स्वर का साथ लेते हुए गुनगुनाना है। किस तरह से गाना है? जब आप सा गाएंगे तो सा सा, किस तरह से? सा रे गा मा पा
धा नी सा। इस तरह से आपको आरोह कंप्लीट करना है। अवरोह में भी हमें आगे के स्वर का ही साथ लेना है। जब हम सा गाएंगे तो नी को साथ में लेकर सा नी धा पा मा गा रे सा। इस तरह से गाना है सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। थोड़ा लय बढ़ाकर गाएंगे तो सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। इस तरह से आपको दो स्टेप में ये वोकल एक्सरसाइज का लेसन नंबर 6 तैयार करना है। और अधिक अच्छे से करने के लिए कम से कम आप इसे 6 थाट में करें। बिलावल, कल्याण, खमाज, काफ़ी, आसावरी और भैरवी, इन 6 थाटों में आपको रियाज करना है। तो कैसा लगा आज का लेसन कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।